गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? राधे राधे सबको। तो आज हमारा प्लान है कुछ वृंदावन जाने का। कल हम वृंदावन नहीं जा पाए तो उसकी वजह से हम आज वृंदावन जा रहे हैं। तो हमारी हम बस अभी आने वाली, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। जैसे ही बस में बैठते फिर हम वृंदावन की ओर जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं वृंदावन। ओके, तब तक के लिए बने रहिए। और कल का व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देखिए क्या कर रहे हैं अभी तक आप लोग। जाइए और हमारा व्लॉग देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अब, बाय। मैं अभी हूँ बरसाना के कीर्ति मंदिर में। पीछे जो दिख रहा है वो है कीर्ति मंदिर। मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखाती हूँ कीर्ति मंदिर को। तो ये है कीर्ति मंदिर बरसाना का, बहुत ही सुंदर है। देखो कितना भव्य और विशाल लग रहा है, बहुत ही सुंदर है ये कीर्ति मंदिर। आपको पता है कीर्ति जी कौन है? जो राधा जी है उनकी मम्मी माता श्री का नाम है कीर्ति, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, वो है कीर्ति माता। तो ये कीर्ति माता का मंदिर है कि राधा जो थी वो बरसाने से थी, इसलिए बरसाने में कीर्ति माता का मंदिर बनाया गया है। और बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी अंदर चल के देखते हैं कैसा मंदिर है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है जगह, बहुत ही सुंदर। आप लोग आइए यहाँ पर दर्शन करने के लिए, बहुत ही सुंदर है ये जगह। तो देखिए कितना सुंदर यह मंदिर है। आप जब भी चाहें यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते। सुंदर और भव्य मंदिर है ये, इतना दिख रहा है। शायद आप रंगीली महल है वहाँ पर, तो इसका आनंद उठा सकते हैं। जब भी आए जरूर आए यहाँ पर। वो जो वहाँ पर जो है ना, वो भगवान की, कृष्ण की झांकियाँ बनी हुई है, वहाँ पर भी झांकियाँ बनी हुई है। और वहाँ पर शायद रासलीला होता है रंगीली महल में। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत ही भव्य है, सुंदर। मुझे तो बहुत सोचो कितने एकड़ में ये बना होगा ना, कितना सुंदर महल है यार। कीर्ति माता इतने बड़े से महल में रहती है। ये देखो मम्मी दिखा रही है, ये मोर है। आपने कभी नहीं देखा ना मोर, इसलिए मेरी मम्मी मोर दिखा रही है आप लोगों को। वाह। तो पहले हम गए थे राधा रानी की माता श्री के मंदिर में दर्शन करने के लिए, और अभी हम स्वयं राधा के मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए। बरसाना में राधा रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, हम वहाँ पर अभी आए हैं उनकी दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मैं शायद ज़्यादा फोटोज़ नहीं ले पाऊँगी। जितनी भी है आप प्लीज़ उसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं ले सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ऊपर से बारिश, मैं दोनों एक साथ कवर नहीं कर पाऊँगी, आई एम सो सॉरी। हाय, बहुत ही तो चढ़ना, एक तो इतनी सारी सीढ़ियाँ यहाँ पर कि चढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं दर्शन करके आती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये राधा रानी का मंदिर है, जहाँ पर इतनी भीड़ है। ओ माय, इतनी ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ में हम लोग पूरा धक्का मुक्की खाते खाते हैं, और आज शरद पूर्णिमा है जिसकी वजह से इतनी भीड़ है शरद पूर्णिमा में। बाय गॉड, और कितनी सुंदर लग रही राधा रानी। जय जय श्री राधे कृष्ण। अभी मैंने आपको दिखाया कि अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ थी। फोटो लेना, वीडियो लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज़ आप जो भी दिख रहे हैं प्लीज़ एक्सेप्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी, और यहाँ पे चोरी भी हो सकेगी। और क्या पता कि मैं क्या शूट कर रही हूँ और मेरा कोई फ़ोन खींच के ले जाए, तो एक तो वैसे ही कर रही हूँ, ऊपर से फ़ोन भी चला जाएगा, कैमरा वैसे ही ख़राब है। अभी अभी नया फ़ोन लिया है मैंने, अगर खराब हो गया कोई चोरी कर लिया तो मैं क्या करूँगी, मैं तो रह जाऊँगी वैसे की वैसी, है ना। तो अपने आप को सेव करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। दर्शन तो होते रहेंगे, आप लोग तो यहाँ आके भी कर सकते हैं दर्शन। ओके, और यहाँ पर वृंदावन जाते जाते सब लोग सो चुके हैं, देख रहे हो, बस में ही सो गए सब लोग। अभी वृंदावन आया भी नहीं है, उसके पहले ही सब लोग सो गए हैं। ओ माय गॉड, आपको दिखाती हूँ ना। अभी हम बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है और अंदर फोन
फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए हमने व्लॉग शूट नहीं किया। तो हम बाहर आके व्लॉग शूट कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये है बहुत भव्य सा बांके बिहारी जी का मंदिर। अब आप हमारी दशा देख सकते हैं, हम लोग घूम घूम के बापरे सुबह से कैसा हाल हो गया हमारा। ये देखिए आंटी जी लोग सब एकदम बेहाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, पूरे भक्ति में मग्न हो चुके हैं, पूरे भक्ति में मग्न। तो अभी हम वृंदावन से घर आ चुके हैं। एक्चुअली इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो वहाँ पर रेड अलर्ट शो, मतलब रेड अलर्ट की घोषणा की गई वहाँ पर कि बारिश बहुत ज़्यादा है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ये सब जगह पे बहुत तेज़ भारी मात्रा में वर्षा हो रही है, इसलिए हम नहीं जा पाए। एक्चुअली क्या है कि यहाँ मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ये सब जगह पर ना मतलब घुटने घुटने तक पानी भर जाते हैं गलियों में, जहाँ जहाँ पर भगवान के मंदिर बने हैं, जो जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर और राधे राधा रानी का मंदिर, जितने भी मंदिर है, द्वारिकाधीश का मंदिर, वो सब ऐसी ऐसी गलियों में है जहाँ पर पूरा पूरा पानी भर जाता है घुटनों घुटनों तक। और लिटरली इतना पानी था कि चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे कपड़े गीले हो गए थे। हमने पता है यहाँ पे आने के बाद छाता खरीदने के बावजूद हम गीले हो गए, और एक फ़ोन में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई। जितना हो सकता था मैंने उतना कवर करने की कोशिश की है, ज़्यादा मैं कवर कुछ नहीं कर पाई हूँ। और बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हुई है हमें, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई बारिश की वजह से। तो मैं, हम लोगों ने ना, मतलब एक तो वहाँ पता है इतनी ज़्यादा भीड़, लोग धक्का मुक्की करके दर्शन कर रहे थे। मुझे ना धक्का मुक्की में बिल्कुल दर्शन करना पसंद नहीं है, शांति से करो, सब वन बाय वन आए जाए, लेकिन नहीं, सबको धक्का मुक्की करके दर्शन करना है। तो इतनी भीड़ थी कि मैं फ़ोन संभालूँ कि अपने आप को संभालूँ, बाप रे, इतनी गजब की भीड़ थी। ऊपर से बारिश, ऊपर से भीड़, और आज शरद पूर्णिमा का दिवस, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हुई है कि मैं अब क्या कहूँ आपसे, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं ले पाई यार। सच में मुझे ऐसा लगा कि मेरा वृंदावन आके जो मेन चीज़ थी वो मैं नहीं ले पाई। कल फिर से प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर जाऊंगी और आपको उसका व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, तो बस ये है कि मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, आप भगवान की फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते, आप भगवान के वीडियो नहीं बना सकते, आप बाहर ही मंदिर का जितना आवरण लेना चाहते हैं वो सब ले सकते हैं, बस मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। इसलिए मैं आपको मंदिर के अंदर का नहीं दिखा सकती, लेकिन बाहर का जितना दिखा सकती हूँ उतना दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे ऑफ करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।